यार धूप कितनी ज्यादा है। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो कि धूप काफी है, काफी निकला हुआ है। आज का दिन कैसा कोई स्पेसिफिक प्लान तो नहीं था, करीब एक साल बाद मैं घर आया हूँ। घर आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज का दिन जो है काफी, आप देख पा रहे हो धूप भी बहुत निकला हुआ है। लेकिन मतलब गर्मी तो है, लेकिन एक बात अच्छी है कि आज बारिश वगैरह है नहीं। तो आज मेरे पुराने दोस्त से मिलने का प्लान भी बना है, तो अभी मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। मिलेंगे फिर देखेंगे आगे क्या करना है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ और मेरा दोस्त जो है वो थोड़ी देर दूर पे खड़ा है, मेरे लिए वेट कर रहा है वहाँ पे। उसने मुझे लोकेशन तो भेज दिया है, मैं अभी जाने वाला हूँ उसके पास। काफ़ी देर से वो मेरा इंतजार कर रहा है, शायद वो थोड़ा सा चिर गया होगा। और फाइनली ये मेरे दोस्त से मैं मिल गया। कितने साल बाद मिल रहे हैं हम? 2 साल हो गया। आजकल का दिन में कॉल किसको मिस कर रहे हैं? हम लोग तो वैसे फोन पे बात करते ही रहते हैं। अभी हर कोई टच में रहता ही है, इंटरनेट है, वीडियो कॉलिंग वाले सब चलता ही है। और ऊपर से तू बता कौन था मैं, तू तो काफी लंबे समय से है। बता मेट्रो में जाना है मुझे सियालदह से, ये नया वाला है ना एडिशन सियालदह मेट्रो, ये नया एडिशन। अभी तक नया मेट्रो पे हमने नहीं करी है, तो चलो तेरा भी हो जाएगा आज। गाइस अभी तक कुछ बदला नहीं है कोलकाता में, ये ऑलमोस्ट मेरा 2 साल बाद मैं घर आया हूँ और 2 साल बाद मैं कोलकाता में आया हूँ। कुछ ज़्यादा बदलाव है नहीं। अभी आप करें ट्रैफिक वगैरह सब कुछ देखा ही होगा और हॉन्किंग वगैरह सब चालू ही है। कोलकाता में सियालदह बहुत सारी पुरानी जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक इमोशन है। मैं जब भी सियालदह मार्केट विजिट करता हूँ, मुझे वो ग्रेजुएशन के दिन याद आ जाते हैं। दोस्तों के साथ यही रोड साइड रेस्टोरेंट्स में लंच करना, सुबह सुबह भागते हुए ट्रेन पकड़ना, दुर्गा पूजा में सारे दोस्तों के साथ यही सियालदह स्टेशन में मीट करना और पूरी रात जगह जगह पंडाल्स विजिट करना। ये स्टेशन सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ लाइन है। तो फॉर्चुनेटली मुझे ये चांस मिल गया है अभी मेट्रो में सवारी करने का। इस बार काफ़ी आस था कि अगर मैं कोलकाता जाऊँगा तो ये वाला मेट्रो सवारी करूँगा एक बार। तो चलिए अंदर देखते हैं कैसा है, अगर कैमरा शायद अलाउड नहीं होगा। सेक्टर 5 ही कौन सा? जामार सबार हेला फेला जाछे छोड़ा छोड़ी। मैं ये बोल रहा था जब तक क्राउडेड नहीं है तब तक ठीक है, जिस दिन क्राउडेड हो गया उस दिन बात करता है। तो ये जो मेट्रो का सिलसिला है वो फिर से जारी है। एक्चुअली हम लोग का ऐसा कोई प्लान था नहीं, इसीलिए हम लोगों ने पहले सोचा कि एक बार पहले मेट्रो
चल के एक बार सेक्टर 5 अब चलते हैं क्योंकि वो एकदम लास्ट स्टॉप है, और उसके बाद हम लोग वापसी में बेंगाल केमिकल उतर के फिर मानी स्क्वायर मॉल चलेंगे, और वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद फिर घर चले जाएंगे। मेरा गले का हालत थोड़ा सा खराब है, आवाज़ इतना जोर से शायद नहीं आ रहा होगा, तबीयत भी इतना अच्छा है नहीं, डाउन है थोड़ा सा, एनर्जी भी कम है, लेकिन मेट्रो सवारी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल था और मुझे काफ़ी पसंद आया। लेकिन एक बात है, भले ही कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ बोलते हैं ना कि अगर आप रूट्स में वापस आते हो तो उसका एक अलग सा ही फीलिंग होता है। सेक्टर 5 जो है उसके साथ काफ़ी पुराना मेमोरीज भी है मेरा, मतलब जब से ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ उसके बाद हर रोज़ आना जाना लगा ही रहता था सेक्टर 5 में, लेकिन उस टाइम सेक्टर 5 आना इतना कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बस ट्रैवल करना पड़ता था और वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता था और इतना फास्ट भी नहीं। तो अभी तो इतना आसान हो गया है और इतना जल्दी यहाँ पे पहुँचा जा सकता है कंफर्टेबली। मैं तो कभी कभी यही सोचता हूँ कि काश ये जो मेट्रो है ये करीब 5-6 साल पहले बन गया होता तो इसका जो कम्फर्ट है, इसका जो मज़ा है वो उस टाइम भी मैं काफ़ी बार ले चुका होता। Thank you. मैं आज से पहले कभी प्रॉन वाला मोमोज नहीं खाया, ये तो मैं पहली बार खा रहा हूँ। प्रॉन मोमो होता भी है ये तो अभी वहाँ पे चॉकलेट मोमो भी था, चॉकलेट का डिप किया हुआ है, चिकन मोमो था नहीं, अंदर चॉकलेट है। वेरी ऑनेस्ट मोमोज प्रॉन में अभी भी ट्राई मत कर रहे, मोमोज चिकन और वेज ही सही है। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है कि कच्चा है? अच्छा है, बट चिकन जैसा नहीं बनेगा। इट्स लाइक ईटिंग ओनली प्रॉन एनवेलप्ड नथिंग मोर, मतलब बड़ी पैकेट में फुसकी बॉम्ब। वन इटर्निटी लेटर। तो आज का जो जर्नी है वो ख़त्म हो चुका है, अभी मैं यहाँ से सीधा घर जाऊँगा और थकान भी काफ़ी है, मेरा जो तबीयत इतना अच्छा है नहीं। आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था और मेरे पुराने दोस्त से भी मुलाकात हुआ, वो भी काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबल जर्नी भी किया, तो फिर जल्दी से जल्दी घर पहुँचते हैं। तो गाइस घर पे सेफली पहुँच चुका हूँ और जैसे कि आपने देखा कि आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था मेरे लिए, तो आज वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शियालदह जो मेट्रो नया बना हुआ है वो आप एक बार ज़रूर ट्रैवल कीजिए।
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कुछ और सजेशन है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।